कोरोना के खौफ से बचने का एक ही उपाय है, दूरियां बनाएं और स्वस्थ रहें। ऐसे में रीवा के एसपी आबिद खान ने लोगों से अपील की है कि वे पुलिस को सहयोग करें और कोरोना के लक्षण होने पर तत्काल अपना चेकअप करवाएं। कोरोना वायरस के कहर के बीच पुलिस लगातार सबसे दूरियां बनाए रखने और लॉकडाउन का पालन करने की विनती कर रही है। ऐसे में रीवा पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने आम जनता से अपील की है कि जरा से भी लक्षण दिखने पर जिला प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग लें और तुरंत स्वास्थ्य चेकअप करवाएं। आबिद खान, पुलिस अधीक्षक रीवा, सभी रीवा वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह के लक्षण इस तरह के समझ में आ रहे हैं कि जिसमें कि उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बुखार आ रहा है बहुत ज़्यादा कई दिनों से, साथ ही साथ भी जुकाम भी साथ में है, तो प्रशासन को, पुलिस को तुरंत सूचना दीजिए। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कई तरह की भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं जिससे लोग ये समझ रहे हैं कि अगर कोई आदमी इस तरह का पॉजिटिव आ जाएगा तो उसको यहाँ बंद कर दिया जाएगा, वहाँ बंद कर दिया जाएगा। मैं आप लोग को इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के कोई चिंता का विषय नहीं होता है। जब तक कि कोई व्यक्ति पॉजिटिव नहीं आ जाता है तब तक उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग ने बना रखे हैं, वहाँ पर ले जाकर के उसको अलग से रखना होता है, वो प्रक्रिया नहीं अमल में लाई जाती है। जो संदेह के घेरे में लोग आते हैं उनकी पहले स्क्रीनिंग होती है। अगर आप इस तरह के अपने लक्षण बताएंगे तो डॉक्टर द्वारा आपको चेक किया जाएगा। हमारी मेडिकल टीम्स घूम रही हैं जो आपके घर पे भी आपको चेक कर सकती हैं आकर, और यदि कुछ ऐसे लक्षण संभावित समझ में आते हैं तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप घर में ही क्वारंटाइन हो जाएं, यानी अपने घर के ही किसी एक कमरे में बंद हो जाएं और घर वालों से भी संपर्क ना करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।